जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो पढ़ने हैं फॉरेंसिक में वो है द ड्रग्स एक्ट 1976, ठीक है, ड्रग्स एक्ट 1976। यहाँ पे हमने एक बात याद रखनी है कि एक एक्ट है जिसको हम कहते हैं फार्मेसी एक्ट। फार्मेसी एक्ट है 1967 और ड्रग एक्ट कब है 1976, तो इसको कन्फ्यूज़ नहीं करना आपने, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये एक्ट है द ड्रग्स एक्ट 1976। अब ये जो एक्ट है इसकी इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें इस तरह से हैं कि ये एक्सटेंड होता है होल ऑफ द पाकिस्तान में, ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है एक और एक्ट मेंशन किया हुआ है डेंजरस एक्ट 1930, ठीक है। तो इसकी आपने डेट याद रखनी है ईयर की, ठीक है। तो अभी तक क्या हमें पता चला कि फार्मेसी एक्ट है 1967, ड्रग्स एक्ट है 1976 और डेंजरस एक्ट है 1930, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन के ऊपर आ रहे थे। सबसे पहले डेफिनेशन है एडल्ट्रेटेड। एडल्ट्रेटेड का आम मतलब ये होता है कि कोई एक ड्रग है जिसके अंदर कुछ मिक्स कर दिया गया, ठीक है। तो ऐसी क्या चीज़ें किस ड्रग के अंदर मिक्स होंगी तो उसको हम कहेंगे कि वो डैश ड्रग है, यानी एडल्ट्रेटेड ड्रग है। आपको एमसीक्यू में ऐसी कोई लाइन आ जाएगी कि इसमें ये चीज़ मिक्स है, या ये वाली लाइन आ जाएगी एज इट इज़ जो ए के 1, 2, 3 आप देख रहे हैं ये साथ, तो आपने वो ऑप्शन सेलेक्ट करनी होगी कि एडल्ट्रेटेड है, स्पूरियस है, मिसब्रांडेड है, सबस्टैंडर्ड है, क्या है, ठीक है। तो एडल्ट्रेटेड ड्रग क्या होती है, मीन्स अ ड्रग विच कंसिस्ट इन होल, या तो पूरी की पूरी ड्रग, और इन पार्ट ऑफ एनी फिल्दी, ठीक है, पुट्रेड और डिकम्पोज सब्सटेंस इन विच कंटेन्स एनी फॉरन मैटर, वर्मिन, वर्म, रोडेंट और इंसेक्ट, ठीक है। इसमें यह है कि या तो पूरी की पूरी उसमें कोई ना कोई फिल्दी पुट्रेड, यानी कि बदबूदार कोई इस तरह की डीकम्पोज सब्सटेंस, या कोई फॉरेन मैटर, कोई वर्मिन, ठीक है, वर्म, रोडेंट, इंसेक्ट, कीड़ा वगैरह, या कुछ इस तरह की चीज़ें अगर उसमें आ गई हुई हैं थोड़े में या पूरे के पूरे में, ठीक है, उसका कुछ हिस्सा या पूरा का पूरा उससे एडल्ट्रेट हो गया हुआ है, ठीक है। तो वो एडल्ट्रेटेड है, तो एमसीक्यू में है, तो आपने ये एडल्ट्रेटेड टिक करना है। इसी तरह से अगर आ जाए विच हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड, जिसको बनाया गया, जिसको पैक किया गया और हेल्ड अंडर अनसैनिटरी कंडीशन, सैनिटेशन ठीक नहीं थी, वेयर बाय इट हैज़ बीन कंटेमिनेटेड विद, जिसकी वजह से कंटेमिनेटेड हो गई डर्ट, गंदगी के साथ, फिल्थ और एनी अदर फॉरेन मैटर, या किसी भी फॉरेन मैटर के साथ, और वेयर बाय इट मे हैव बीन रेंडर्ड इंजूरियस टू हेल्थ, या जिसकी वजह से ये सेहत के लिए ख़राब हो गई, ठीक है, तो उसको भी हम कहते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या होगी, एडल्ट्रेटेड होगी। तीसरा, द कंटेनर ऑफ विच रिलीजेस एनी पॉइजन्स और डिलीटरियस सब्सटेंसेस विच में रेंडर द कंटेंट्स इंजूरियस टू हेल्थ। इसका मतलब ये है कि ऐसी ड्रग या मेडिसिन जो जिस कंटेनर के अंदर है, उसका कंटेनर ऐसे सब्सटेंसेस या पॉइजनस या डिलीटरियस सब्सटेंसेस को रिलीज़ कर रहा है या छोड़ रहा है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी ड्रग या उसके कंटेंट्स इंजूरियस या फिर ख़तरनाक हो जाते हैं सेहत के लिए, तो ऐसी ये भी एडल्ट्रेट हो गया उस पॉइजनस सब्सटेंस से, तो इसका मतलब ये एडल्ट्रेटेड ड्रग है, ठीक है। आगे, एडल्ट्रेटेड ड्रग इज़ अ ड्रग विच बियर्स और कंटेन्स एज एन इंग्रेडिएंट अ सब्सटेंस अदर देन दैट प्रिस्क्राइब सब्सटेंस। एक देखें, आप क्यों कहते हैं कि जी इस ड्रग के अंदर एक प्रिस्क्राइब सब्सटेंस है, लेकिन वो वाला सब्सटेंस नहीं होता, कोई और सब्सटेंस उसकी जगह होता है उसके अंदर, तो इसका मतलब ये क्या होता है कि ये ड्रग भी एडल्ट्रेटेड है। उसके बाद, अ ड्रग विद विच एनी सब्सटेंस हैज़ बीन मिक्स्ड, ऐसी ड्रग जिसके साथ किसी सब्सटेंस को मिक्स कर दिया गया और पैक्ड या पैक कर दिया गया, सो एज़ टू रिड्यूस इट्स क्वालिटी और स्ट्रेंथ, जिसकी वजह से इसकी क्वालिटी और स्ट्रेंथ कम हो गई, और फॉर विच एनी सब्सटेंस हैज़ बीन सब्स्टिट्यूटेड होली और इन पार्ट, या फिर ऐसा कोई कंटेंट जिसको थोड़ा या ज़्यादा तौर पर या पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया गया या सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, ठीक है, उस ड्रग के अंदर, तो ये भी क्या होगी, एडल्ट्रेटेड ड्रग होगी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अगली डेफिनेशन, एपलेट बोर्ड क्या होता है। एपलेट बोर्ड होता है एनी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड इन द सेक्शन नंबर 9। तो ये पूछ सकते हैं डैश मीन्स द बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 9, तो आप अभी आंखें बंद करें और दिमाग में सोचें, ठीक है, डैश बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होता है सेक्शन 9 में, कौन सा, एपलेट बोर्ड। फिर ये आ सकता है, अपनी आंखें बंद रखें, एपलेट बोर्ड जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है अंडर सेक्शन नंबर डैश, तो क्या होगा, सेक्शन नंबर 9। तो आपने याद रखना है कि एपलेट बोर्ड वो बोर्ड जो कॉन्स्टिट्यूट होता है सेक्शन नंबर 9 में, याद रखना है, आपका ई एम सी क्यू भी हो गया, ठीक है। आगे है, बैच मीन्स अ क्वांटिटी ऑफ एनी ड्रग प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ गिवन साइकिल ऑफ मैन्युफैक्चर, ठीक है। तो डैश मीन्स अ क्वांटिटी ऑफ एनी ड्रग
किसी भी ड्रग की क्वांटिटी जो एक गिवन साइकिल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में होती है तो उसको क्या कहते हैं, बैच। ठीक है, ये होता है बैच, इसको बैच नंबर से कन्फ्यूज़ नहीं करना। अगला होता है बैच नंबर। बैच नंबर मीन्स अ डेजिग्नेशन प्रिंटेड ऑन द लेबल ऑफ अ ड्रग। अगर वो प्रिंटेड है तो वो बैच नंबर है, याद रखना है आपने। दैट आइडेंटिफाइज द बैच उस, और ये प्रिंटेड होती है ना, इस वजह से हमें पता लगता है ये बैच है। ठीक है, एंड परमिट्स द प्रोडक्शन हिस्ट्री ऑफ द बैच, और इससे हम ट्रैक और ट्रेस कर लेते हैं उसकी प्रोडक्शन हिस्ट्री, इंक्लूडिंग ऑल स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड कंट्रोल टू बी ट्रेस्ड एंड रिव्यूड। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि जब ड्रग इंस्पेक्टर जाता है वो एक सैम्पलिंग करता है, सैंपल फेल हो जाता है, ठीक है, वो चेक करता है इसका बैच क्या था। ठीक है, उस बैच से वो कंपनी को लिख सकता है कि मुझे इसकी मैन्युफैक्चरिंग का सारा वो बताएं, आप इसकी स्टेबिलिटी स्टडीज़ का बताएं, आपने क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग का रिकॉर्ड है मुझे दिखाएं। तो सिर्फ उस बैच नंबर से जो उस मेडिसिन या सिरप की बॉटल के ऊपर प्रिंटेड है पूरी की पूरी उसकी हिस्ट्री ट्रेस की जा सकती है। तो रिटर्न में जो है वो बैच नंबर है, अदरवाइज सिंपल जो है वो बैच है। ठीक है, जो उसका क्वांटिटी ऑफ एनी ड्रग प्रोड्यूस होती है कि ये बैच इतने बैच हुए हैं। ठीक है, मतलब इतने नंबर ऑफ सीरप बने, इतने नंबर ऑफ टैबलेट्स हैं। ठीक है, वो बैच है। आगे सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड, अब फिर से ये एक ऑब्जेक्टिव आ गया। सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड कौन सा होता है, वो बोर्ड होता है जो कि अंडर सेक्शन नंबर 5 बनता है। ठीक है, तो फिर से अपनी आंखें बंद करें और अब याद करें कि डैश बोर्ड इज़ अ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन नंबर 5। तो कौन सा बोर्ड है सेक्शन 5 में बना, सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड। ठीक है, अभी अपनी आंखें बंद ही रखें और ये याद रखें, ठीक है, कि सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड इज़ अ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर डैश सेक्शन। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 5। अब आप पीछे रिवाइज करें कि सेक्शन नंबर 9 में क्या बना था, क्या बना था सेक्शन 9 में, एपिलेट बोर्ड। ठीक है, तो अभी तक आपको दो बोर्ड का पता चल गया, एपिलेट बोर्ड बना है सेक्शन नंबर 9 के अंदर और सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड बना है सेक्शन नंबर 5 के अंदर। ये मैं आपसे दोबारा पूछूंगा, ठीक है, आपने ये दिमाग में रखना है। उसके बाद आते हैं काउंटर फीड ड्रग। ठीक है, काउंटर फीड ड्रग ये होती है कि मीन्स अ ड्रग और द लेबल और आउटर पैकिंग ऑफ विच इज़ एन इमिटेशन ऑफ। देखें, एक ऐसी ड्रग जिसका लेबल या उसकी आउटर पैकिंग नकल है, इमिटेशन ऑफ नकल है, और रिजेंबल्स या मिलती है, और सो नियरली रिजेंबल्स या फिर तकरीबन मिलती है, एज टू बी कैलकुलेटेड टू डिसीव द लेबल, और वो इस तरह से बनाई गई है कि वो डिसीव करती है लेबल और आउटर पैकिंग ऑफ अ ड्रग ऑफ अनदर मैन्युफैक्चरर। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक ड्रग है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ऑगमेंटिन। ठीक है, ऑगमेंटिन एक मैन्युफैक्चरर की है, लेकिन उसकी आउटर पैकिंग या फिर उसकी जो लेबल है ना, वो एक अलग ऐसी ड्रग बनाई जाती है जो उसकी नकल की जाती है, और वो ऐसा दिखाने की कोशिश की जाती है कि ऑगमेंटिन ही है, ताकि जो लेने वाला आम बंदे जिसको इतना ज़्यादा नहीं पता या गाँव में इधर उधर, वो ये समझ के वो ले ले। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है, ये ड्रग होती है काउंटर फीड, नकल मारी हुई है। ठीक है, आगे ड्रग की बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस हैं। ठीक है, आपने याद करना है कि आपने रट्टा नहीं मारना, आपने कॉन्सेप्ट लेना है। इवन जब आपको कमीशन ने कोई एग्ज़ाम क्लियर करके भी आप जाएंगे, आपसे पूछेंगे कि स्पूरियस ड्रग क्या, एडल्ट्रेटेड ड्रग क्या, काउंटर फीड क्या, तो आपने अगर डेफिनेशन नहीं याद इतनी बड़ी, तो आपने कॉन्सेप्ट उसको इन योर ओन वर्ड्स बता देना। ठीक है, तो ड्रग देखें अब क्या है, अब ड्रग को आप ये याद रखते रहना है। ठीक है, एनी सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस, कोई भी सब्सटेंस या उनका मिक्सचर दैट इज़ मैन्युफैक्चर्ड, जो बनाया गया, सोल्ड, बेचा गया, स्टोर्ड, जिसको स्टोर किया गया, ऑफर्ड फॉर सेल, उसको बेचने के लिए ऑफर किया गया, और रिप्रेजेंटेड फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़, या फिर उसको कहा गया कि ये बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन द ट्रीटमेंट में, मिटिगेशन, प्रिवेंशन और डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस, एन एबनॉर्मल फिजिकल स्टेट और द सिम्टम्स देयर ऑफ इन द ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। ठीक है, इंसानों में भी, जानवरों में भी, डायग्नोसिस के लिए, सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए जानवर इंसानों में। ठीक है, और द रिस्टोरेशन, करेक्शन और मॉडिफिकेशन, या फिर वापस लाने के लिए उस जो सेहतमंद आपकी जो सेहत होती है उसको वापस लाने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए, मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फंक्शंस इन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, जो इंसानों के या जानवरों के जो नॉर्मल फंक्शन, उसको वापस अपनी असल सूरत हाल में लाने के लिए, नॉट बींग ए सब्सटेंस एक्सक्लूसिवली यूज और प्रिपेयर फॉर यूज इन अकॉर्डेंस विद आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक और बायोकेमिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट, एक्सेप्ट दो सब्सटेंसेज एंड इन अकॉर्डेंस विद सच कंडीशन एज मे बी देयर ऑफ। आपने ये याद रखना है
कि जब आपको ये स्टेटमेंट आ जाएगी और नीचे गिवन होगा कि इट इज़ देन कॉल्ड अ डैश एडल्ट्रेटेड ड्रग, स्पूरियस ड्रग, काउंटरफीट ड्रग और सिंपल ड्रग. सो दिस इज़ अ सिंपल ड्रग, सिंपल ड्रग. ठीक है, ड्रग कहना आपने. आगे ड्रग और क्या हो सकती है? एबॉर्टिव हो सकती है, कॉन्ट्रासेप्टिव सब्सटेंसेस हो सकते हैं, एजेंट्स एंड डिवाइसेस, सर्जिकल लाइगेचर्स, सूचर्स, बैंडेजेस आर ड्रग्स, एब्जॉर्बेंट कॉटन भी ड्रग है, डिसइंफेक्टेंट बैक्टीरियोफेजेस भी ड्रग है, एडहेसिव प्लास्टर भी ड्रग है, जेलेटिन कैप्सूल, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, ये भी ड्रग है. ठीक है, ये भी अगर आ जाएं कि एबॉर्टिव एंड कॉन्ट्रासेप्टिव आर कॉल्ड, तो ये क्या है? ड्रग. ठीक है, याद रखने हैं. जेलेटिन कैप्सूल्स एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस आर नोन एज डैश इन ड्रग एक्ट, तो क्या है? ड्रग. आगे क्या हो सकते हैं ड्रग? सच सब्सटेंसेस इंटेंडेड टू बी यूज फॉर द डिस्ट्रक्शन और रिपल्शन ऑफ सच, ऐसे सब्सटेंसेस जो के तबाही या फिर ख़त्म करने के लिए या फिर अपने से दूर भगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं. किन सब्सटेंसेस को? वर्मिंस को, इंसेक्ट्स को, रोडेंट्स को एंड अदर ऑर्गेनिज्म एज कॉज कैरी और ट्रांसमिट डिजीज, जो के करते हैं कॉज या कैरी करते हैं या फिर ट्रांसमिट करते हैं, फैलाव करते हैं डिजीज़ का इन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, और फॉर द डिसइंफेक्शन इन रेजिडेंशियल एरियाज़ और इन प्रेमिसज इन विच फूड इज़ मैनुफैक्चर प्रिपेयर और कैप्ट स्टोर्ड. तो आपने कहने के ऐसे सारे सब्सटेंसेस जो डिसइंफेक्शन करने के लिए फूड की प्रेमिस की जगह की स्टोरेज फैसिलिटी की फूड की, या फिर ऐसे सब्सटेंसेस जो डिस्ट्रॉय करते हैं वर्मिन, इंसेक्ट, रोडेंट्स, इन सबको, वो भी ड्रग है. ठीक है, तो अभी तक आपको ड्रग का पता चल गया. अब आप एडल्ट्रेटेड, काउंटरफीट और वो सबका सही एमसीक्यू टेक कर सकते हैं. उसके बाद ड्रग क्या क्या है? और सच पेस्टिसाइड्स एज मे कॉज हेल्थ हैजर्ड टू द पब्लिक, ऐसे पेस्टिसाइड, ठीक है, जो होते हैं एज मे कॉज हेल्थ हैजर्ड टू द पब्लिक. पेस्टिसाइड आपको पता है कि इस्तेमाल होते हैं पेस्ट को किल करने के लिए, ये भी ड्रग होती हैं. ठीक है, एनी सब्सटेंसेस मेंशनड एज मोनोग्राफ और एज अ प्रिपरेशन इन द पाकिस्तान फार्माकोपिया, ऐसे सब्सटेंसेस जो मोनोग्राफ के अंदर है, कौन कौन से मोनोग्राफ के अंदर? आपको पता नहीं, फार्माकोपिया के अंदर मोनोग्राफ होता है जिसके अंदर पूरा डिटेल होती है, तो पाकिस्तान फार्माकोपिया और द पाकिस्तान नेशनल फॉर्मुलरी और इंटरनेशनल फार्माकोपिया और द ब्रिटिश फार्माकोपिया और द ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स यानी BPC और द USP यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और द नेशनल फार्मुलरी NF ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, वेदर अलोन, अकेला और इन कॉम्बिनेशन विद एनी सब्सटेंस या कॉम्बिनेशन में है, एक्सक्लूसिवली यूज इन यूनानी, और किस किस में यूज़ हो रहा है? यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और बायोकेमिकल सिस्टम ऑफ द ट्रीटमेंट एंड इंटेंडेड टू बी यूज फॉर एनी ऑफ द पर्पस मैंशन इन सब क्लॉजेज 1, 2 एंड 3. ठीक है, तो ये सब क्लॉजेज में भी मैंशन है, तो ये सारे भी क्या है? डैश ड्रग. ठीक है, आगे ड्रग क्या है? और एनी अदर सब्सटांस, कोई भी और सब्सटांस विच द फेडरल गवर्नमेंट मे बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट डिक्लेयर टू बी डैश ड्रग फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट. अब इसमें यह है कि वफाकी हुकूमत अपना नोटिफिकेशन जारी करके किसी भी चीज़ को कह सकती है ये ड्रग है. तो यहाँ पे MCQ बनता है कि एनी सब्सटांस विच डैश गवर्नमेंट मे बी बाय नोटिफिकेशन में कॉल एस डिक्लेयर एस ड्रग, तो कौन सी गवर्नमेंट होगी? प्रोविंशियल या फेडरल? तो आपने लिखना है फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत, प्रोविंशियल या सूबाई नहीं. ठीक है, तो ये भी आपका MCQ क्लियर. अभी तक आपके जो इसमें से आएगा आपके नंबर पूरे आएंगे उसमें. ठीक है, अब अगला एक्सपायरी डेट क्या है? एक्सपायरी डेट आपको सिंपल तो पता है कि वो जो ड्रग एक्सपायर हो रही है उसकी एक्सपायरी डेट. अभी इसमें पढ़ लें, मींस द डेट स्टेटेड ऑन द लेबल, लेबल पे लिखी हुई वो डेट ऑफ अ ड्रग, ड्रग की, आफ्टर विच द ड्रग इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिटेन इट्स क्लेम्ड एफिकेसी. ठीक है, सेफ्टी, क्वालिटी और पोटेंसी, और आफ्टर विच इट इज़ नॉट परमिसिबल टू सेल द ड्रग. ठीक है, तो एक्सपायरी डेट क्या हो गई? डैश डेट, जो कि अपनी जिसके बाद वो अपनी ये एफिकेसी, सेफ्टी, क्वालिटी, पोटेंसी रिटेन ना कर सकते या जिसके बाद हम उसको सेल ना कर सकें, वो डेट एक्सपायरी डेट. एक्सपर्ट क्या होता है? डैश मींस एन अ स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट मींस अ स्पेशलिस्ट थ्रू यूनिवर्सिटी एजुकेशन और एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड. ठीक है, तो उस फील्ड का वो क्या होगा? एक्सपर्ट होगा. एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट होता है विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशंस. ठीक है, एंड कॉग्निट एक्सप्रेशन. सिंपल आपने इसमें ये याद रखना है कि टेकिंग आउट ऑफ द पाकिस्तान बाय मींस ऑफ सी, लैंड और एयर. ठीक है, ज़मीनी रास्ते से, समंदरी रास्ते से या हवाई रास्ते से बाहर लेके जाना पाकिस्तान से, वो एक्सपोर्ट है. और इम्पोर्ट का होता है
कि ज़मीनी रास्ते से, समंदरी रास्ते से या हवाई रास्ते से पाकिस्तान के अंदर लेके आना, तो उसको क्या कहते हैं, इम्पोर्ट। ठीक है, एक्स मतलब आउट और पोर्ट मतलब पोर्ट से बाहर, तो एक्सपोर्ट बाहर लेके जाना, इम्पोर्ट मतलब अंदर लेके आ रहे हैं। ठीक है, जेनेरिक नेम क्या होता है, मीन्स नॉन प्रोप्राइटरी, नॉन प्रोप्राइटरी मतलब कोई ब्रांड नेम ना हो जो, साइंटिफिक और ऑफिशियल नेम ऑफ अ ड्रग एज अप्रूव बाय द फेडरल गवर्नमेंट। तो नॉन प्रोप्राइटरी और फिर साइंटिफिक और ऑफिशियल नेम जैसे कहते हैं ड्रग का, यानी जैसे हम कहते हैं फॉर्मूला, जेनेरिक नेम होता है वो। ठीक है, यानी कि पैरासीटामोल जो है, ठीक है, पैनाडोल क्या होगा, पैनाडोल होगा ब्रांड नेम और उसका जेनेरिक क्या होगा, पैरासीटामोल। ठीक है, पैनाडोल का जेनेरिक नेम क्या होगा, पैरासीटामोल। ठीक है, उसके बाद आता है गवर्नमेंट एनालिस्ट, ये याद रखना है आपने, गवर्नमेंट एनालिस्ट बनता है सेक्शन 16 ऑफ ड्रग एक्ट में। ठीक है, और गवर्नमेंट एनालिस्ट काम कहाँ करते हैं, ये ड्रग टेस्टिंग लैब्स में काम करते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 16 में कौन बनता है, गवर्नमेंट एनालिस्ट, और सेक्शन 17 में बनता है ड्रग इंस्पेक्टर। ठीक है, चाहे वो अब गवर्नमेंट एनालिस्ट क्या हो सकता है, फेडरल गवर्नमेंट एनालिस्ट भी हो सकता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एनालिस्ट भी हो सकता है, वफाकी में सूबाई वर्ग सेक्शन 16 में बनता है। इसी तरह फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर भी हो सकता है और प्रोविंशियल ड्रग इंस्पेक्टर भी हो सकता है, और ये सेक्शन नंबर 17 में। अभी तक आपको कुछ चीज़ें पता चलें, एपिलेट बोर्ड किस में बना था, सेक्शन नंबर डैश में, ये देखें सेक्शन 9 में, एपिलेट बोर्ड के बाद बना सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड सेक्शन नंबर 5 में। उसके बाद आपके पास अगला सेक्शन आया सेक्शन नंबर 16 और 17, जिसमें 16 में बना गवर्नमेंट एनालिस्ट और सेक्शन नंबर 17 में बना इंस्पेक्टर। ठीक है, ये आपको याद हो गया अब। ठीक है, उसके बाद लेबल में क्या है, लेबल्स मीन अ डिस्प्ले ऑफ द रिटन प्रिंटेड और ग्राफिक मैटर अपॉन द इमीडिएट कंटेनर और द आउटसाइड कंटेनर और द रैपर ऑफ द ड्रग। फॉर एग्जांपल एक सिरप की शीशी है, शीशी के ऊपर बाय जो स्टिकर लगा होता है जिसके ऊपर सारा उसका डिस्प्ले और सारा कुछ लगा होता है, वो भी लेबल है। उसके बाद वो जिस डब्बी के अंदर, वो भी लेबल है। उस डब्बी के बाहर जो लिखा हुआ है, जो प्रिंटेड है, कोई पिक्चर प्रिंटेड है, जो भी चीज़ लिखी है, वो सारा कुछ वो भी लेबल है। ठीक है, लेबलिंग क्या होता है, मीन्स ऑल लेबल्स एंड अदर रिटन प्रिंटेड ग्राफिक मैटर अकंपनिंग एनी ड्रग। एक ड्रग है ना, ड्रग के साथ, ठीक है, ड्रग के साथ सारी चीज़ें, सारी वो चीज़ें जिस पे लिखा हुआ है, जिस पे प्रिंट हुआ हुआ है, जिस पे ग्राफिक मैटर है, वो ड्रग को अकंपनी कर रही है, वो सारी की सारी लेबलिंग है। ठीक है, जो खाली डिस्प्ले था वो क्या था, लेबल, और उसको अकंपनी करने वाली जो चीज़ें हैं ड्रग को, वो लेबलिंग है। ठीक है, उसके बाद क्या है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी, मीन्स सच अथॉरिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब, लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो भी अथॉरिटी होगी जो प्रिस्क्राइब की होगी। अब मैन्युफैक्चरर क्या है, मैन्युफैक्चर क्या है, मैन्युफैक्चर बनाना, चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना, तो मैन्युफैक्चर होता है इन रिलेशन टू अ ड्रग, मीन्स ऑल द ऑपरेशन, सारे वो ऑपरेशन इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन ऑफ द ड्रग में इन्वॉल्व्ड है, इंक्लूडिंग डैश डैश डैश, इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग, कंपाउंडिंग, फॉर्मुलेटिंग, फिलिंग, उसकी पैकिंग, ड्रग की रीपैकिंग, ड्रग की ऑल्टरिंग, ऑर्नामेंटिंग, सजावट, फिनिशिंग, उसको फिनिश करना, लेबलिंग ड्रग की विद अ व्यू टू, उस किस हवाले से, उसके इट्स स्टोरेज, उसकी सेल के हवाले से, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, बट डज नॉट इंक्लूड, लेकिन इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता, बट डज नॉट इंक्लूड द कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग और द पैकिंग ऑफ एनी ड्रग इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ द रिटेल बिजनेस। लेकिन जैसे आप ड्रग लेने जाते हो तो आपको एक शॉपर में डाल के वो देता है दुकान वाला, कभी कभी वैसे हाथ में पकड़ा देता है, तो शॉपर में डाल के देना और डिस्पेंस करना, ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता। मैन्युफैक्चरिंग वो होता है जो कंपनी से सारा कुछ हो के आ रहा है। ठीक है, आगे लिखा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ रिटेल बिजनेस और ऑन अ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और डेंटिस्ट ऑफ और वेटनेरियन एंड टू मैन्युफैक्चर शैल बी कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंगली। तो इसी तरह से जो पीछे कंपनी से बन के आ रहा है, उसकी सजावट की जा रही है, उसकी पैकिंग रीपैकिंग की, वो सारी, वो मैन्युफैक्चरर है, उसके बाद वाली नहीं है, वो मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, मिस ब्रांडेड क्या होती है, मिस ब्रांडेड आपको सादा अल्फाज में बता दूं, अगर तो लेबल के ऊपर कोई चीज़ मिसिंग है ना, जो लेबल रिक्वायरमेंट्स है, लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स, उसके मुताबिक कोई चीज़ मिसिंग, वो तो ड्रग होती है मिस ब्रांडेड। ठीक है, अब देखें, मिस ब्रांडेड ड्रग मीन्स अ ड्रग विच इज़ नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। ठीक है, उसके बाद ऑन द लेबल और लेबलिंग ऑफ विच एनी, लेबल वो जो ग्राफिक था, ठीक है, और लेबलिंग जो कंपनी कर रही थी सारी चीज़ें। ठीक है, तो लेबल एंड लेबलिंग ऑफ विच एनी वर्ड स्टेटमेंट और एनी मैटर और इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द रूल्स टू अपीयर, जो लेबलिंग रूल्स हैं
उनके मुताबिक जो रिक्वायरमेंट है ऑन द लेबल और द लेबलिंग इज नॉट प्रोमिनेंटली प्लेस्ड विद सच कॉन्स्पिकुअसनेस एज कम्पेयर विद अदर वर्ड स्टेटमेंट डिजाइन और डिवाइस ऑन द लेबल और द लेबलिंग एंड इन सच टर्म्स एज मे रेंडर इट लाइकली टू बी रेड एंड अंडरस्टूड बाय द ऑर्डिनरी इंडिविजुअल अंडर कस्टमरी कंडीशंस ऑफ परचेज एट सेल. जो लेबलिंग रूल्स के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, जो होनी चाहिए वो नहीं है लेबल या लेबलिंग पे, तो वो मिसब्रांडेड है. विच इज़ नॉट लेबल्ड विद सच डायरेक्शंस फॉर यूज़, जिसके ऊपर अगर डायरेक्शन टू यूज़ नहीं है ना, फॉर एग्जांपल आपने ये सुबह शाम लेनी है, दो चम्मच लेनी, वो इस तरह से नहीं लिखा हुआ, तो ये भी क्या है, मिसब्रांडेड है. एंड सच वार्निंग्स, अगर ये लिखा हो ना कि आपने डॉक्टर की हिदायत के बगैर नहीं लेनी, तो ठीक है, अगर नहीं लिखा तो ये भी, या इस तरह की जो वार्निंग्स चाहिए होती हैं कि आपने इसको कितने टेम्परेचर में रखना है, क्या है क्या है, और ये अगर नहीं वार्निंग्स हैं तो ये भी मिसब्रांडेड है. सच वार्निंग्स अगेंस्ट यूज एंड इंडिकेशन वेयर इट मे बी डेंजरस टू द हेल्थ और अगेंस्ट अनसेफ डोजेज ऑफ और ड्यूरेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन इन सच मैनर एंड फॉर्म एज आर नेसेसरी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ यूजर्स और एज मे बी प्रिस्क्राइब. ठीक है, आगे देखें, द लेबल और कंटेनर ऑफ विच और एनी थिंक कंपनिंग विच बियर्स एनी स्टेटमेंट डिजाइन और डिवाइस विच मेक्स एनी फॉल्स क्लेम फॉर द ड्रग और विच इज फॉल्स और मिसलीडिंग इन एनी पर्टिकुलर. ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ है कंपनी कर रही है विच बियर्स एनी स्टेटमेंट और डिजाइन ऑफ द डिवाइस विच मेक्स एनी फॉल्स क्लेम, अगर तो वो फॉल्स क्लेम भी कर रही है ना, अगर वो फॉल्स क्लेम भी कर रही है, ठीक है, तब भी वो मिसब्रांडेड है. मतलब लिखा कुछ है और अंदर कुछ है, ठीक है, वो फॉल्स क्लेम कर रही है, ठीक है, कंटेनर पर कुछ है. आगे, विच इज़ ऑल्सो कलर्ड, जिसको कलर किया गया, कोटेड, पाउडर्ड और पॉलिश किया गया, दैट डैमेज इज़ कंसील्ड, ताकि डैमेज को छुपाया जा सके, और विच इज़ मेड टू अपीयर ऑफ बेटर ग्रेटर थेरेप्यूटिक वैल्यू, या जिसकी वजह से उसको दिखाया जा रहा है कि बड़ी अच्छी थेरेप्यूटिक वैल्यू है, ऐसी चीज़ भी जो है वो मिसब्रांडेड है. इसका आगे क्या, ऐसी ड्रग विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ द पर्टिकुलर फार्माकोपिया, फॉर एग्जांपल USP या BP या किसी ऐसे फार्माकोपिया के मुताबिक है, और एनी अदर डॉक्यूमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड द लेबल डज नॉट बियर द नेम ऑफ दैट फार्माकोपिया. मतलब वो बना दी गई USP के मुताबिक, लेकिन मेडिसिन पे मेडिसिन का नाम और आगे USP नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब वो मिसब्रांडेड है. ठीक है, वो लिखना लाजमी है कि BP है या USP है. ठीक है, आगे देखें, प्रिस्क्राइब मीन प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स, प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, याद रखना है आपने कि ये सेक्शन नंबर 11 में होता है, सूबाई क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में PQCB. ठीक है, तो अभी तक आपके सामने कितने बोर्ड आए हैं, ठीक है, सबसे पहले कौन सा बोर्ड आपके सामने आया था, एपेलेट बोर्ड सेक्शन नंबर 9 में, एपेलेट बोर्ड 9 में, सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड 5 में, ठीक है, एपेलेट बोर्ड 9 में, सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड 5 में, उसके बाद आपके पास प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड 11 में. तो रजिस्ट्रेशन बोर्ड क्या है, वो ऐसा बोर्ड जो सेटअप है 7 में. ठीक है, तो अभी तक आपके पास 4 बोर्ड आपने याद कर लिए हैं. ठीक है, रजिस्ट्रेशन बोर्ड डैश सेक्शन में है 7 में. ठीक है, PQCB किस में है, 11 में. ठीक है, आगे देखें, रजिस्टर्ड ड्रग्स, वो रजिस्टर्ड ड्रग जो रजिस्ट्रेशन बोर्ड ने किया, तो रजिस्टर बोर्ड किस सेक्शन में बना था, 7 में. तो रजिस्ट्रेशन बोर्ड और रजिस्टर्ड ड्रग मिलते जुलते हैं, कि रजिस्ट्रेशन बोर्ड वो बोर्ड जो सेटअप अंडर सेक्शन नंबर 7, और रजिस्टर्ड ड्रग वो जो उस बोर्ड ने बनाई है, यानी कि वो सेक्शन नंबर 7 से ही हुआ ना रजिस्टर, तो सेक्शन नंबर 7 के अकॉर्डिंगली. रूल्स क्या है, मीन रूल्स मेड अंडर द एक्ट, जो ड्रग रूल्स वगैरह होते हैं. ठीक है, ड्रग कोड क्या है, ये याद रखना आपने, ड्रग कोड है, जब भी चालान सील होते हैं उसके बाद वो ड्रग DQCB या PQCB में मामला जाता है, उसके बाद वो आपको प्रोसिक्यूशन की परमिशन देते हैं, जो हमने ड्रग रूल्स में पढ़ा था मेरे पिछले लेक्चर्स में, उसके बाद वो ड्रग कोर्ट में जाते हैं. ड्रग कोड वो कोर्ट होता है जो कि सेक्शन नंबर डैश में बना है, सेक्शन नंबर 31 में. तो डैश मीन्स अ कोर्ट एस्टैब्लिश अंडर द सेक्शन नंबर 31, ड्रग कोर्ट. ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है. स्पेसिफिकेशन व्हेन अप्लाई टू अ ड्रग, मीन ड्रग को अगर कहते हैं ना कि स्पेसिफिकेशन है, तो क्या होता है, सच स्पेसिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो प्रिस्क्राइब की गई हो. ठीक है, व्हेन द स्पेसिफिकेशन आर नॉट प्रिस्क्राइब, द स्पेसिफिकेशंस आर कंटेन्ड इन द मोस्ट रीसेंट एडिशन ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पब्लिकेशन. जब वो प्रिस्क्राइब ना की होंगी स्पेसिफिकेशन, तो वो उसका क्या मतलब है कि वो फिर कहाँ पे होंगी,
वो रीसेंट पब्लिकेशंस ऑफ दीज होंगी फार्माकोपिया, पाकिस्तान फार्माकोपिया, इंटरनेशनल फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया, यूएसपी यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया, बीपीसी यानी ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, यूएसपीएफ यानी यूनाइटेड स्टेट यूएसएनएफ, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल फार्मूलरी एनएफ है, ठीक है, सच अदर पब्लिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब प्रोवाइडेड दैट इट if the specification do not appear in the most recent edition of any publication, the specification appearing in the next preceding, yani usse pichli edition jiske andar wo hogi wo apply ho jayegi. If no specification either prescribed or contained any of the publication referred in the sub clause upar wala jo humne abhi padha hai, the specification approved for the purpose of registration under the act, to fir wo approved specification dekhenge jo bhi approve hamare paas hai. Sell ka kya matlab hai? Bechna means sell, offer for sale, offer karna, एक्सपोज फॉर सेल, एक्सपोज करना सेल किए, हैव इन पोजेशन फॉर सेल, अपने पास रखना बेचने के लिए, एंड डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, टू सेल बेचने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन करना, सोल और सेल शैल बी कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंगली, तो सेल का मतलब ये होता है, ठीक है. तो ये एमसीक्यू आपने लिखना है सेल का. स्पूरियस ड्रग, स्पूरियस ड्रग यानी जाली, जाली मेडिसिन, ठीक है, बहुत ये एक जुर्म है, ठीक है. स्पूरियस डेफिनेशन की सज़ा भी बहुत ज़्यादा है हमारे ड्रग एक्ट के मुताबिक, ड्रग रूल्स वगैरह के, ड्रैप एक्ट वगैरह के मुताबिक स्पूरियस ड्रग जो है उसकी फिर सज़ाएँ भी हैं, ठीक है, पेनल्टीज़ वगैरह. स्पूरियस ड्रग क्या होता है? विच परपर्ट्स टू बी अ ड्रग, जो शो करते हैं कि मैं ड्रग हूँ बट डज नॉट कंटेन द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ द ड्रग, उसके अंदर वो एक्टिव इंग्रेडिएंट वो एपीआई नहीं है, जाली है वो, ठीक है. विच परपर्ट्स टू बी द प्रोडक्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर, प्लेस और अ कंट्री ऑफ द होम और ऑफ विच इट इज़ नॉट ट्रू योर प्रोडक्ट, जो कहती है कि जी मैं प्रोडक्ट हूँ एक मैन्युफैक्चरर का, किसी जगह का, किसी मुल्क का, लेकिन होता ही नहीं है उस जगह का, उस मुल्क का, उस प्रोडक्ट का, वो भी स्पूरियस है. जो कहती है कि जी विच इज़ इम्पोर्टेड, जो इम्पोर्ट हुई है या एक्सपोर्ट हुई है या सोल्ड हुई है और ऑफर्ड और एक्सपोर्ट फॉर सेल हुई है अंडर अ पर्टिकुलर नेम, किसी एक नाम से, वाइल एक्चुअली इट इज़ अनदर ड्रग, लेकिन वो है ही कोई और ड्रग और बाकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वो सब किसी और नाम से हो रही है, तो जाली हुई ना, तो स्पूरियस ड्रग. द लेबल ऑफ विच बियर्स, जिसका लेबल कहता है द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल कंपनी, किसी एक इंडिविजुअल कंपनी का नाम जाहिर कर रहा है परपर्टिंग टू बिट्स मैन्युफैक्चर, कि ये भाई इसका मैन्युफैक्चरर है और प्रोड्यूसर है, ठीक है, एक अच्छी कंपनी का नाम इस्तेमाल कर रहा है कि मैं ये इसने बनाया. विच इंडिविजुअल कंपनी इज़ फिक्शियस, लेकिन वो कंपनी जिसको वो शो करता है कि वो अच्छी कंपनी है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, या वो जाली है, फिक्शियस है, या डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है. उसके बाद स्टोरेज क्या है? मीन्स स्टोरेज फॉर सेल, टू स्टोर और स्टोर्ड शैल बी कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंगली, ठीक है, ये स्टोरी है. सब स्टैंडर्ड ड्रग क्या है? वो ड्रग जो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन नहीं है, यानी कि वो मतलब फॉर एग्जाम्पल फार्माकोपिया के अंदर है या बाकी स्पेसिफिकेशन कहीं भी बुक में जिसके मुताबिक बनी है, तो वो उसके मुताबिक नहीं है, तो वो सब स्टैंडर्ड ड्रग है, ठीक है. तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया. आपने जब ये पूरा लेक्चर देख लेना है तो उसके बाद आपने नीचे ना अपने कमेंट भी देने हैं और ये बता देना है कि आपको समझ आ रही है और आप साथ इसको याद भी कर रहे हैं, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको साथ याद करवाऊँ, ठीक है. ड्रग एक बहुत इंटरेस्टिंग है, फॉरेंसिक बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप मेरे साथ इसको लेकर चलेंगे तो आप इसको साथ साथ याद कर लेंगे, ठीक है. और उसके बाद ये वो सब्जेक्ट होगा कि जिसमें आप सबसे आगे होंगे या सबसे स्ट्रांग होंगे, अगर आप उस तरह से याद करें जिस तरह से मैं आपको याद करवा रहा हूँ. तो आपने कमेंट्स में पहले तो ये लेक्चर सुनने के बाद डन लिख देना है कि डन, ताकि मुझे पता चले कि आपने कितने लोगों ने ये देख लिया है, ठीक है. क्योंकि अगर आप लोगों का इंटरेस्ट इसमें नहीं होगा या आपको नहीं समझ आ रही, तो फिर मैं ये सीरीज़ अपनी फोरेंसिक की रोक दूंगा, ठीक है, फिर मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है. लेकिन अगर आपको समझ आ रही है तो फिर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा ताकि आपको इससे फ़ायदा हो इंशाल्लाह, ठीक है. तो आपकी कमेंट ज़रूर कीजिएगा.